अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खस्ता और बहुत ही इजी रेसिपी नान खताई की। तो चल के देखते हैं फिर इसकी रेसिपी। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें। तो ये जो नान कढ़ाई है ये मैं दो तरीके से बनाना सिखाऊंगी आपको। एक हम ओवन में भी बनाएंगे और आधी जो है हम वो पतीली में भी बनाएंगे, ठीक है। जिनके पास ओवन नहीं है तो वो पतीली में भी इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोनों चीज़ें प्री हीट करनी होती हैं, सबको पता है। जो भी चीज़ हम जब बेकिंग के लिए शुरू करते हैं उसको, तो हम जिस भी चीज़ में बेकिंग करते हैं उसको पहले प्रीहीट करते हैं, ठीक है। ओवन को मैंने प्रीहीट कर लिया है, सारी सेटिंग्स और सब कुछ आपको ओवन की भी और पतीले की भी और सेल्सियस में भी, फारेनहाइट में भी, सब में आपको रेसिपी की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिखी हुई मिल जाएगी कि क्या तरतीब है और किस तरह से आपने उसको सेटिंग करनी है उसकी। देन उसके बाद मैंने जो घी है वो ले लिया है और उसके अंदर मैंने कास्टर शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी शामिल की है। अगर आपके पास कास्टर शुगर नहीं है तो आप नॉर्मल चीनी लें और उसे ग्राइंडर में डाल के पीस लें, पाउडर शुगर हो जाएगी, वो कास्टर शुगर कहलाती है, ठीक है। वो मैंने दोनों एक साथ बस पीस लिए हैं हल्के से, यानी कि अबाउट 2 मिनट मैंने उसे बीट कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें बेसन, मैदा, कार्डमम पाउडर यानी कि बड़ी इलायची का पाउडर और बेकिंग सोडा, ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं और हम इसको बस मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप ये सब कुछ हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, यानी कि जो नॉर्मल विस्कर होता है उससे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमें बीट नहीं करना और कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत भी नहीं है मशीन की, अगर आप चाहें तो हैंड बीटर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके मिक्सचर को, मतलब बहुत ज़्यादा हाथों की गर्माई नहीं देनी वरना ये फिर मेल्ट होने लग जाएगा, तो आपने बस सिंपली इसे प्लेट में निकालना है और इसकी जो बॉल्स हैं वो बना लेनी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बहुत छोटी नान खटाई बनाते हैं या बड़ी, ठीक है। मैंने तो छोटी बनाने की कोशिश की थी, मैंने सोचा था मैं छोटी बनाऊँगी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊँगी, बट देख लें आप, ये साइज़ जो मैंने बनाया था इससे भी काफ़ी बड़ी बनी है, ठीक है। जो हमारी नान खटाई है वो काफ़ी बड़ी बड़ी बनी है, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं इससे भी थोड़ा सा छोटा साइज़ ही बनाऊंगी, क्योंकि नान खटाई इतनी ज़्यादा बड़ी मुझे नहीं अच्छी लगती पर्सनली, ठीक है। तो हम बना रहे हैं दो तरीक़ों से। तो मैंने अभी जो वो होता है ना 9 इंच का जो हमारा सांचा होता है, केक का सांचा, उसकी मैंने प्लेट ले ली है, ठीक है। अगर आपके पास कोई स्टील की प्लेट है, कोई और बड़ा बर्तन है जो कि आपके भगोने में फिट आ सके जिसको आपने प्रीहीट किया है, तो आप वो वाला बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसको ग्रीस नहीं करना, ग्रीस नहीं करना, जिस चीज़ में आपने बेक करनी है इसको नान खटाई को उसको ग्रीस नहीं करना, क्योंकि जो हमारा मिक्सचर है उसमें ऑलरेडी इतना ज़्यादा घी है तो हमें ग्रीस करने की इसको ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको सिंपली बॉल्स बना रही हूँ और जो प्लेट है उस पर मैं रख के इसको वहीं पर ही फ्लैटन करती जा रही हूँ, उससे ये होगा कि ये अच्छे से फ्लैटन हो जाएंगे एक इक्वली। उसके बाद मैं जो है ओवन के लिए भी, जो ओवन की डिश होती है उसे भी तैयार कर लूँगी। इस तरह से तोड़ लेना है और इसकी जो जर्दी और सफ़ेदी है उसे अलग कर लेना है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ जर्दी का काम है, ठीक है। हमें जो सफ़ेदी है इसकी वो यूज़ नहीं करनी। उसके बाद आपने जर्दी को जो है थोड़ा सा बीट करना है, यानी कि किसी भी स्पून से, फॉक से या फिर ब्रश से ही आप इसे हल्का सा मिक्स कर लें, और उसके बाद आपने इसे ब्रश करना है, जो नान खटाई है हमारी उसे आप ब्रश कर लें सिंपली,
और पूरी नान खताई पे ब्रश नहीं करिएगा, बीच बीच में बस थोड़ा सा इसको ब्रश कीजिएगा। उसके बाद ब्रश करने के बाद अगर आप चाहें तो कोई नट्स वगैरह भी इस पर रख सकते हैं, जैसे कि बादाम आपने बीच में से काट के वो रख लेने, और अगर आप चाहें तो इस पर जो पिस्ते वगैरह होते हैं वो भी आप चॉप करके बीच में रख कर हल्का सा प्रेस करें तो ये चिपक जाएंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद मैं अभी ये ब्रश कर रही हूँ, उसके बाद हम बेक होने के लिए रख देंगे, ठीक है। तो ओवन को मैंने प्रीहीट किया था 150 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट्स के लिए, और अब हम इसे बेक करेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक के लिए 150 डिग्री पर ही रखेंगे, और कन्वेक्शन फ़ैन ऑन रहेगा और बोथ रॉड्स भी ऑन रहेंगी। उसके बाद जो दूसरे वाले हैं, जो हमारे पतीले वाले हैं, उसे भी हम बेक होने रख देंगे। और ये जो नमक मैंने पतीले में यूज़ किया है, ये आप बहुत दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। इवन मेरा भी जो इसमें पतीले में नमक है, ये मैं बहुत दफ़ा बेकिंग के लिए यूज़ कर चुकी हूँ, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास नमक नहीं है तो आप जो बारीक वाली बजरी होती है, बारीक वाला जो बजरी टाइप की जो होती है, वो भी आप इसमें बिछा सकते हैं नीचे, और ऊपर कोई स्टैंड रखें और उसके ऊपर आप कोई भी बर्तन जिसमें आपने बेक करना है वो आप रख सकते हैं, ठीक है। और आराम से इजीली ये बेक हो जाएंगे। उसके बाद आपने जब 20 मिनट हो जाएं तो आप इसको हल्का सा चेक कर लें बस नीचे से, कि अगर नीचे से ये पक गए हैं तो आप इसे रिमूव कर लें पतीले में से भी और ओवन में से भी। अब आपने मतलब ये नहीं देखना कि अभी ये तो भाई नरम हो रहे हैं और ये अभी सही से खस्ता नहीं हुआ तो अभी इसे मज़ीद बेक करना है, ऐसा नहीं है। ये जब हमारे हवा में आएंगे थोड़े से ठंडे होंगे, उसके बाद हम इसे मज़ीद ठंडा करने के लिए कूलिंग रैक पर रख देंगे, ठीक है। इस तरह की कोई जाली हो आपके पास तो आप उस पर इसको रख दीजिए, और जब इसको हवा लगेगी, जब ये बिल्कुल पूरी तरीके से ठंडे होंगे, तो ये मज़ीद खस्ता हो जाएंगे और बहुत ही मज़े के हो जाएंगे। अगर आप उसी वक्त मज़ीद इसको बेक करते हैं कि अभी तो ये बहुत नरम है और आप इसे मज़ीद बेक करेंगे, तो फिर ये बहुत हार्ड हो जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो आपने मज़ीद ज़्यादा इसे बेक नहीं करना, इसका जो टाइम है वो 20 मिनट्स ही है। 20 मिनट्स के अंदर ये परफेक्टली बेक हो जाएंगे, चाहे वो पतीला हो या चाहे वो ओवन हो, दोनों चीज़ों में 25 मिनट ही लेंगे ये। उसके बाद इसको इस तरह से कूलिंग रैक पर रखें, और जब ये पूरी तरीके से ठंडे हो जाएं तो इसको राइट अवे आप यूज़ कर सकते हैं, चाय बनाएं और चाय के साथ इसे पेश करें, शाम की चाय के साथ बहुत मज़े के लगेंगे। और अगर आप चाहते हैं इसे स्टोर करना, देन आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख कर अच्छी तरीके से, जब ये ठंडे हो जाएं तो आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख कर इसे स्टोर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। मैं हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। आई एम योर होस्ट अवी शेख, साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।